SMS कंपनी, इसको हटाने को लेकर आपने आपकी पार्टी के थ्रू जो है मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, आदित्य ठाकरे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनसे भी आपने मुलाकात की थी, उसके भी बात जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी चीज़, अब जो है शिंदे सरकार माइनॉरिटी इलाका है इसलिए भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया रहा है, ऐसे आरोप जो है शिंदे सरकार पे लगाए जा सकते, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जब जब जिसकी सरकार रही, जब से आवाज़ उठाई जा रही है, चाहे ये कांग्रेस की सरकार थी, जब भी हमने कहा, बीजेपी की सरकार में जो रामदास कदम थे उनसे, उनके पास हम लोग बार बार गए, उन्होंने क्लोजिंग लेटर दिया। ऐसे मंत्री जो इनके क्लोजिंग लेटर का मैं समझती हूँ कोई, मैंने उनको जब हम लोगों ने उनको धमकी दी कि आपके घर के बाहर आके धरना करूँगी मैं लेडीज लेकर, तब उन्होंने वो दिया, जजमेंट दिया कि नहीं, हाँ इसको हम बंद कर देते हैं, ये नुकसानदायक है, मतलब अपने पे आई तो उन्होंने क्लोजिंग लेटर दिया। लेकिन ये लोग गवंडी की जो आम गरीब जनता है उनकी तकलीफों को नहीं महसूस कर रहे, अगर उनकी तकलीफों को महसूस करके अगर ये जजमेंट देते तो ये कंपनी अब तक बंद हो गई होगी, होती यहाँ से, और ये कंपनी अगर सिर्फ बंद करने वाली बात होती तो वाकई हम लोग यहाँ पे लेट जाते, सो जाते, मर जाते, कंपनी बंद करके अगर हमारे एक दो जन के मरने से इतने लोगों की ज़िंदगी बचती है तो हम लोग उसके लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन कहीं ना कहीं इसको बंद नहीं कर सकते, इसको शिफ्ट करना है, क्योंकि पूरे बम्बई का कचरा यहाँ पर जलाया जाता है। और मैं प्रशासन को जो कान में रुई डाल के बैठी है उससे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि वाकई इस कंपनी से मानकुट शिवाजी नगर की गरीब जनता बहुत परेशान है, ग्रस्त है, इससे जल्दी से जल्दी इस गवंडी को निवारण कराएं। बोलने का मतलब ये है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम बोल रहे हो लोगों को समझ में आएगा भी नहीं, उसकी वजह है बाजू में एक MP रहता है जिसका नाम क्या है, राहुल शिवाले, बाजू में कारपोरेटर शिवसेना का भी है, कांग्रेस का भी है, कौन है यहाँ पे, बीजेपी का है। यही जो SMS कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है, इसके पास पास कितने MLA है, कितने MP है, क्या अबू आशिम आजमी ने ठेका लिया है बोलने का? क्या अबू आशिम आजमी बार बार आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए बार बार आके यहाँ पे धरना मोर्चा दे? क्या बाकी ये SMS कंपनी को पैदा करने वाली कांग्रेस, NCP, शिवसेना, उसके बाद बीजेपी भी आई, बीजेपी की सरकार आई, NCP की सरकार आई, उन्होंने भी रिबन किया, फिर उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने बंद किया, फिर से शिंदे की सरकार आई, अब वो भी नहीं बंद करेंगे। भाई गवंडी के लोग ऐसे लोग हैं, मैं बोलता हूँ अल्लाह माफ़ करे, नहीं बोलना चाहिए, मजबूर लोग हैं, खाली वोट देना आता है और काम करना नहीं आता। अगर ये 10,000 पब्लिक, 20,000 पब्लिक आजू बाजू की आ जाए और उसमें घुस जाए और अभी जाके तोड़ दे, उसके बाद कल SMS कंपनी चालू रहेगी नहीं? पर ये पब्लिक डरती है, इसीलिए घर में बैठी है। हम बहुत मजबूर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, खाली चिल्लाना हमारा काम है, अब वही कर रहे हैं। हाँ रफीक जी, जिस तरीके से आपने कहा तो ये हथकंडा शिवसेना भी अपनाया करती थी, शिवसेना भी इस तरीके के काम करती थी मन से भी, तो समाजवादी के द्वारा क्या रुख देखा जाएगा, अगला कदम क्या होगा समाजवादी पार्टी का? देखो, अगला कदम हमारा आज भी वही कदम है, कल भी वही कदम रहेगा, हम बंद करने के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। उन्होंने जगह दिया है, वो जो उधर ट्रांसफ़र होगा तब होगा, तब होगा तब देखा जाएगा, मगर हमारे लोग सपोर्ट नहीं करते, इलाके के लोग, शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी, तुम्हारा ये जाकिर हुसैन नगर है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान पूरे लोग भरे हुए, पर बीजेपी को वोट देते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, NCP को वोट देते हैं, उनके MLA बनाते हैं, उनके कारपोरेटर बनाते हैं, वो लोग कभी नहीं आते, सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग ही आंदोलन करते हैं और समाजवादी पार्टी को भी बदनाम करते हैं। इसी तरह कई सोशल वर्कर यहाँ पे आंदोलन किए जिनका कोई पार्टी से संबंध नहीं है, उन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत किया, उनके साथ भी ये पब्लिक आती रही है। अरे हम तो बोलते हैं, हम समझते हैं अपने आप को बेवकूफ़ समझते हैं कि हम लोग धरना करने आते हैं, पर कांग्रेस की हुकूमत थी, फिर बीजेपी की और शिवसेना की हुकूमतें, हुकूमतें बदलते जा रही है, आसिम भाई लगातार तीसरी बार इस क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीत कर आते हैं, इस क्षेत्र के लोगों की उम्मीद है कि आसिम भाई जो है यहाँ के लिए मुद्दे काफ़ी उठाते, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही, आप सरकार को क्या मैसेज देंगे? अभी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है शिंदे जी, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी इलाके के लोगों के लिए? सबसे पहले तो शिंदे सर से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी, चलो XYZ जो भी सरकार रही आगे से, उनका जो भी उन्होंने योगदान दिया नहीं दिया, उन्होंने काम किया नहीं किया गरीबों के लिए, लेकिन हमारे आसिम साहब जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करिए प्लीज़ से प्लीज़, और ये जितना भी जल्द से जल्द हो सके ये कंपनी बंद करवाइए, क्योंकि अभी जो भी सरकार यहाँ पर आएगी या आई है उससे हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे आसिम सर का साथ दीजिए और ये कंपनी बंद करवाइए।